हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेज टॉपिक इज़ वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंजाई फिनिश किया था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वायरसेस क्या होते हैं? ये वायरसेस, दिस इज़ द इंटरलिंकिंग बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के जो है इंटरलिंक होते हैं, यानी जब ये किसी होस्ट के बाहर होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़े होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग का बिहेव करते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर यानी किसी सेल्स के अंदर अगर इंटर कर जाए तो वो लिविंग का बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरलिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आइए देखते हैं। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डू नॉट इंक्लूड्स वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेन। तो जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें हम लोगों ने देखा था कि मोनेरा था, प्रोटिस्टर था, फंजाई था, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसमें इन सभी किसी ग्रुप में भी जो है वायरस, वायराइड और लाइकेंस को प्लेस्ड नहीं किया गया। तो आइए देखते हैं वायरसेस क्या हैं। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको सिंपली समझ सकते हो। ये देखिए, वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़े होते हैं आउटसाइड द लिविंग। लिविंग सेल के जब बाहर होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग का बिहेव करते हैं। व्हेन दे इंटर द लिविंग सेल्स, जब ये इंटर किसी सेल्स के अंदर इंटर कर जाएँ, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ लिविंग सेल्स। कहने का सेंस ये है कि जब ये लिविंग सेल्स के अंदर इंटर कर जाते हैं तो सेल्स के सभी अदर सब्सटेंसेस को ये यूज़ करके और अपनी लाइफ को आगे चलाते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि लिविंग सेल्स की जो एमिनो एसिड्स वगैरह हैं उनको यूज़ करके ये अपना प्रोटीन बनाने लगते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जब किसी सेल्स के अंदर इंटर करेंगे तो वो जो है उसको एज अ मशीनरी यूज़ करके जो है रिप्लिकेट करते हैं, यानी कि अपने आप को जस्ट डबल करते हैं, ठीक है। डिजे आइवानोस्की रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। तो सबसे पहले इसको किसने, आइवानोस्की ने इसको जो है डिस्कवर किया था। उन्होंने देखा था कि टोबैको पे कुछ कह सकते हो स्पॉट जैसे, और उस पे जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया तो उन्हें ये वायरसेस दिखाई दिए थे। ओके, पाश्चर कॉइंड द टर्म वायरसेस, ठीक है। तो आइवानोस्की ने तो इसको डिस्कवर किया था, लेकिन पाश्चर नाम के जो साइंटिस्ट थे, लुईस पाश्चर, उन्होंने इसको वायरस कहा था, ठीक है। इसको नाम क्या दिया था, वायरस, विच मीन्स वेनम, और वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम या पॉइजन, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ आउटर प्रोटीन, ठीक है, यानी वायरस के बाहर की जो लेयर होती है उसको हम लोग प्रोटीन कोट की बनी होती है। जैसे ये देख लो आप लोग, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस का फिगर है ये, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस में आप लोग देख रहे हो कि इसमें दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA से, और दूसरा क्या है इसमें, कैप्सिड जो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। इसलिए देख लीजिए यहाँ पर आपके वायरस में दो मेन पार्ट हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड और दूसरी प्रोटीन, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। द वायरसेस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड, हेंस दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियो प्रोटीन। ओके, तो आगे देखिए आप लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में, इट इज़ अ मेड अप ऑफ आउटर प्रोटीन कोट एंड अ सेंटर जेनेटिक मटेरियल RNA और DNA। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA और DNA दोनों हो सकता है इसके अंदर, मोस्टली जो है इनके अंदर RNA ही प्रेजेंट होता है। अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन, हमने बताया कि अभी आपको इसको न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इसको हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्सिस, और इसकी जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो इन्फेक्सिस होती है, यानी कि वो डिजीज़ कॉज करते हैं।
वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, और जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, एंड दोज इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि व्हाट इज़ द बैक्टीरियोफेज। तो देन आप लोग कह सकते हो कि ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स, ठीक है। तो वायरसेस तो डिफरेंट टाइप्स के डिजीज ही कॉज करते हैं, और फिलहाल तो आप लोग कोरोना का भी नाम सुन रहे हो, और ये भी जो है कोविड जो वायरस है ये भी एक वायरल डिजीज़ है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, ठीक है, प्लांट्स में आप लोग देखोगे अगर ये कोई डिजीज़ कॉज करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, स्पॉट बना देते हैं, ठीक है, धब्बे जैसा बना लेते हैं, मोज़ेक फॉर्मेशन करते हैं वहाँ। लीफ रोलिंग, पत्तियाँ जो होती हैं वो रोल हो जाती हैं, एंड कर्लिंग, ठीक है, कर्लिंग मीन्स टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, और येलोविंग हो सकती हैं, ठीक है, ड्वार्फिंग हो सकता है यानी कि बौने हो सकते हैं पत्तियाँ, या प्लांट भी बौना हो सकता है। स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, उसकी ग्रोथ जो है प्लांट की वो रुक जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हो तो प्लांट्स में वायरल इन्फेक्शन होता है। ये फिगर जो कि बैक्टीरियोफेज का है, इसमें आप लोग देख लो मेनली इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हम हेड, ठीक है, सेकंड है कॉलर, इसके बाद सीथ, और लास्ट है टेल फाइबर। तो ये सिक्स होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है, टेल फाइबर जो है वो टोटल सिक्स है। फिगर इम्पॉर्टेंट है दोनों, आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। वायराइड, वायराइड की बात करें तो हमने पढ़ा था कि अभी वायरस में जो है वो आपका न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ वायराइड्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए, फ्री आरएनए मिलता है, यानी यहाँ पर प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, टीओ डीनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। तो ये जो है टीओ डीनर ने जो इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, और ये वायरसेस भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है, पोटैटो यानी कि आलू के अंदर जो है ये डिजीज़ कॉज कर रहे थे, तो वहाँ पर से इनको जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इट हैज़ ओनली अ फ्री आरएनए, ठीक है, इसमें देख रहे हो आप लोग फ्री आरएनए है, एंड लैक ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, सो नेम्ड इज वायरॉइड, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, वायराइड कहा गया है। लाइकेन जो कि हम लोग फंजाई में भी स्टडी कर लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं लाइकेन होता क्या है। लाइकेन इज़ द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, ठीक है, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। इसमें आप लोगों को हमने शायद फंजाई में भी बताया था कि उसमें जो नीचे फंगल हाइफी प्रेजेंट होते हैं जिसको माइकोबायोंट कहते हैं, ठीक है, जो नीचे फंजाई के हाइफी प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइकोबायोंट, या माइसेलियम जो प्रेजेंट होता है उसको माइकोबायंट कहेंगे, और इसके ऊपर एल्गी इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी अरेंज होते हैं, और ये जो फंगल हाइफी हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं, एल्गी को, इन रिटर्न एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो है वो फंजाई को फूड सप्लाई करता है, यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बेनिफिशियल हैं, और इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ओके, फाइकोबायोंट एल्गल कंपोनेंट, ठीक है, एल्गल कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट, विच प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, ठीक है, ये फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। माइकोबायोंट इज़ अ फंगल कंपोनेंट विच प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक दूसरे को ये कैसे हेल्प कर रहे हैं,
और इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। थैंक यू। और नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।